लेट अस स्टार्ट विद द राउटिंग। आप ये देख रहे हैं कि मेरे सामने ये जो मैंने आपकी ऐप रन की है ये बिल्कुल ब्लैंक है, और वो बिल्कुल ब्लैंक इसलिए है कि मैंने अभी तक कोई कंपोनेंट रेंडर नहीं किया। जितने भी मेरे कंपोनेंट्स थे, अबाउट था और कॉन्टैक्ट था, दो ही कंपोनेंट्स बनाए थे और होम था, तीन इनफैक्ट तीन कंपोनेंट्स बनाए थे। तीनों को मैंने क्या किया हुआ है, कमेंट किया हुआ है जस्ट बिकॉज आई वॉज अबाउट टू स्टार्ट द राउटिंग इन द लास्ट क्लास। सो दिस इज द प्लेस एक्चुअली फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो मैंने आपको ये कहा था जी कि जब भी आपने राउटिंग करनी है तो सबसे पहले आपने एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ की है विच इज़ रिएक्ट राउटर डॉम, और ये आपको कुछ कंपोनेंट्स देती है। और नॉर्मली आपको पता है कि कंपोनेंट्स की कन्वेंशन है कि वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो दिस इज़ ब्राउजर राउटर एक कंपोनेंट है, एक राउट्स कंपोनेंट है और एक राउट कंपोनेंट है। तो बिल्कुल हमने यानी प्लेन जो बेसिक राउटिंग का आर्किटेक्चर है ना, उसमें आप यूँ समझ लें कि ये आपको स्टेप करने ही करने, ठीक है। जो रिएक्ट राउटर वर्जन 6 है उसमें दो तीन तरीके हैं राउटिंग करने के। ये जो तरीका है ये अगर आप करेंगे तो ये रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 5 में भी सपोर्टेड है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करूंगा जो कि वर्जन 5 में सपोर्टेड नहीं है, इसलिए आई रिकमेंड कि आप वर्जन 5 को यूज़ नहीं करेंगे, रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 को यूज़ करेंगे। एनीवेज, सबसे पहले आपने ब्राउजर राउटर लगाना है। आपकी राउटिंग का जो सबसे मेन पेरेंट होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, ब्राउजर राउटर। एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू द राउटिंग should come inside the browser router component. Anything that is outside it will not work. ठीक, तो मैंने browser router के अंदर wrap किया क्या, routes. Since I can have multiple routes, route का मतलब होता है path. तो अगर मेरे पास चार पेज components हैं तो routes भी कितने बनेंगे, हर पेज का अलग route बनेगा ना। अगर मेरे पास 10 components हैं तो कितने routes बनेंगे, 10 बनेंगे। अगर मेरे पास 20 components हैं तो कितने routes बनेंगे, components से मतलब पेज components की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह ये जो ब्राउजर राउटर के अंदर कंपोनेंट है राउट्स, तो इसका मतलब है ये प्लूरल है, तो इसका मतलब है बाकी जितने भी राउट होंगे वो इस राउट्स के अंदर इंक्लोज्ड होंगे। समझ आ गई ये बात। उसके अंदर आता है राउट सिंगुलर वाला राउट, तो इसका मतलब है जो एक इंडिविजुअल राउट होगा वो इससे रिप्रेजेंट होगा, विच इज द सिंगुलर राउट कंपोनेंट दैट कम्स विद द रिएक्ट राउटर डॉम। क्लियर होगी बात। अब चूंकि मैंने कहा कि जब हम अपने कस्टम कंपोनेंट बनाते थे तो कस्टम कंपोनेंट में हम क्या पास कर सकते हैं, प्रॉप्स पास कर सकते हैं, तो इसी तरह जितने भी बिल्ट इन हम कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे, बहुत सारी लाइब्रेरीज हम यूज़ करेंगे, तो उन तमाम लाइब्रेरीज में जब कंपोनेंट्स बिल्ट इन है तो उन कंपोनेंट्स को जो प्रॉप्स चाहिए वो भी क्या है, बिल्ट इन है। वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, कौन हमें बताता है, उस लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंटेशन। यानी अगर आप रिएक्ट राउटर डॉम की डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्राउजर राउटर का नाम का एक कंपोनेंट है, फिर राउट्स के नाम का एक कंपोनेंट है, फिर राउट के नाम का एक कंपोनेंट। तो ये राउट जो है ये कुछ प्रॉप्स लेता है। तो पहली प्रॉप इसकी क्या है, पाथ है। तो मैंने ये कहा कि ये जो आप राउट के अंदर पाथ देते हैं ना राइट साइड पे, ये जो वैल्यू जैसे मैंने स्लैश एबीसी दिया, दिस वैल्यू या एनीथिंग कम्स इन हेयर, लेट सपोज यहां मैं एबीसी लिखता हूं, तो आप रूट ये जो रूट या बेस यूआरएल है इसके बाद जो कुछ भी लिखेंगे दैट विल कम एंड विल गेट मैच टू एनीथिंग दैट इज रिटन इन साइड द राउट्स। यानी इन अदर वर्ड्स, जब हम इस एप्लीकेशन को रन करके इसका डेमो देखेंगे तो जो कुछ भी आप यहाँ पर राउट लिखेंगे दैट विल गेट मैच टू एनीथिंग दैट इज रिटन इन साइड दिस राउट्स। यानी यहाँ पर एक राउट नहीं होगा, यहाँ पर मैंने कहा कि जितने आपके पास पेज कंपोनेंट्स होंगे उतने आपके पास उतनी दफ़ा आप क्या यूज़ करेंगे, राउट यूज़ करेंगे। अब मिसाल के तौर पर आप होम कंपोनेंट को ट्रिगर कर रहे हैं तो आप होम कंपोनेंट के लिए ये पाथ बना लें, ये दिस पाथ इज टू बी बिल्ट बाय यू, ये पाथ आप खुद बिल्ट करेंगे, इसको कोई भी नाम दे दें, ठीक है। देन अगर आपने अबाउट का कंपोनेंट करना है तो आप यहाँ पे पाथ क्या देंगे, अबाउट देंगे। देन आपको यहाँ पे लेट सपोज इफ वी हैव एनी अदर कंपोनेंट, बाय द वे वी डू हैव 3, यस कॉन्टैक्ट, सो कॉन्टैक्ट, और हमारे पास कंपोनेंट ये भी 3 है तो हम इन 3 को यू बना लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके ब्राउजर के यूआरएल में स्लैश होम आएगा तो ये वाला कंपोनेंट रेंडर होगा। अभी कंपोनेंट मैंने रेंडर नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ ये कहा है कि इस राउट के साथ मैच होके इसको हिट करेगा। अगर ब्राउजर पे या ब्राउजर के यूआरएल पे ये वाला पाथ आएगा यानी स्लैश अबाउट आएगा देन दिस विल बी हिट, और अगर ब्राउजर के यूआरएल में ये वाला पाथ आएगा तो फिर ये वाला हिट होगा। तो यूँ समझें कि ये जो पुराना रिएक्ट राउटर वर्जन 5 था उसमें स्विच था, और स्विच का केस मतलब पूरे अवेलेबल राउट्स में से कोई एक राउट एक टाइम में मैच होता था, तो अब वो स्विच रिप्लेस होके राउट्स बन चुका है और ये अंदर मैचिंग वाला काम ऑटोमेटिकली होगा, इंटरनली ये रिएक्ट राउटर डॉम में इंप्लीमेंटेड है कि जो भी पाथ आप ब्राउजर के यूआरएल में देंगे वो पाथ आपके किसके साथ मैच होगा, यहाँ आके मैच होगा। जब एक मैच हो जाएगा तो वही कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा, ऑब्वियसली ये मैच नहीं होगा तो ये इग्नोर होगा, फिर अगले के साथ मैच करेगा,
ये मैच नहीं होगा तो अगले के साथ मैच करेगा। तो इन पूरे राउट्स जो अवेलेबल राउट्स हैं उनमें से ब्राउज़र के यूआरएल में आने वाला पाथ जिससे भी मैच होगा वो ट्रिगर हो जाएगा। एम आई मेकिंग माई सेंस? अच्छा, अब ये राउट जो है वो एक प्रॉप नहीं लेता, ये मल्टीपल प्रॉप्स लेता है। तो इसका जो दूसरा प्रॉप है, हम ज़ाहिर है सारे वन बाई वन पढ़ेंगे, इसका जो दूसरा प्रॉप है दैट इज एलिमेंट। इस एलिमेंट में आप जाएंगे तो मुझसे किसी बच्चे ने सवाल पूछा था और मैंने उसे कहा था जी आगे चल के आएगा हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स। तो मैंने उसको उस वक्त हिंट में जवाब दिया था यार कि ये एचओसी जो होता है ना, हायर ऑर्डर कंपोनेंट, जब आप एक कंपोनेंट में दूसरा कंपोनेंट बतौर प्रॉप पास कर रहे होते हैं तो जिस में कंपोनेंट बतौर प्रॉप पास कर रहे होते हैं वो क्या होता है बेसिकली आपका हायर ऑर्डर कंपोनेंट दैट टेक्स अ कंपोनेंट एज अ प्रॉप। तो यू समझ लें कि ये राउट क्या हो सकता है आपका हायर, यानी हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स हम खुद भी बना सकते हैं ऐसा कंपोनेंट जिसमें हम बतौर प्रॉप, उसके लिए केस यूज केस है हमारे पास, सिनेरियो है कि हम जब ऑथेंटिकेशन वगैरह करेंगे। बट फॉर नाउ अगर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड के एचओसी हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या है तो आप कहेंगे जी एक कंपोनेंट जिसमें दूसरा कंपोनेंट बतौर प्रॉप पास हो रहा है। एनीवेज, तो मैं ये चाहता हूं कि जब भी ब्राउजर के यूआरएल में होम का पाथ लिखा जाए तो वो किसके साथ मैच हो, हमारे पास जो होम का कंपोनेंट बना हुआ है। तो अब आप देखें कि ये जो होम का कंपोनेंट मैं पहले डायरेक्ट रेंडर कर रहा था, अब मैं उसको डायरेक्ट रेंडर नहीं कर रहा बल्कि अब मैं उसको किसके थ्रू रेंडर कर रहा हूँ, एक राउट के थ्रू रेंडर कर रहा हूँ। और उस राउट के दो प्रॉप्स हैं, एक है पाथ, यानी जब भी ब्राउजर के यूआरएल में ये पाथ आए तो आप इस एलिमेंट को रेंडर कर दो। मेकिंग सेंस? अब आपको पता है कि ये होम के कंपोनेंट में तो हमारी पूरी लॉजिक लिखी हुई है कि उसमें तो सारे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो ये बाकी का काम एज इट इज रहेगा। आप यही प्रॉप्स बताओ एज इट इज उठा के इस होम में पास कर दें, बिकॉज ऑब्वियसली ये होम डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रॉप्स के ऊपर, अदरवाइज ये एरर आ सकता है या कोई भी अबनॉर्मल यूज केस आ सकता है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपली पहले जिस कंपोनेंट को नॉर्मली रेंडर कर रहा था विदाउट राउटिंग, इस कंपोनेंट को उठाया और मैंने राउट के कंपोनेंट में एज अ प्रॉप पास कर दिया। तो ये तरीका प्रॉप का ही है ना, ये प्रॉप की का नेम है और ये उस प्रॉप की क्या है, वैल्यू है, और प्रॉप की वैल्यू में फिर क्या पास कर दिया, एक कंपोनेंट पास कर दिया। तो राउट क्या क्या बन गया इस सेंस में, एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट बन गया। खैर अभी हायर ऑर्डर कंपोनेंट ये सिर्फ मैंने जवाब दिया है, एक बंदे ने सवाल पूछा था, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, हम खुद अपना कंपोनेंट बनाएंगे और अपने कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में एज अ प्रॉप पास करेंगे तो फिर आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। तो खैर ये समझ आ गई बात, दिस इज हाउ राउटिंग वर्क्स। अब मैं सिर्फ टेस्ट करता हूं, बाकियों को अभी नहीं लिखता कि क्या अगर मैं ब्राउजर के यूआरएल पे होम का पाथ लिखूं तो मेरे पास ये कंपोनेंट रेंडर होगा या नहीं होगा। लेट्स कम हियर। तो अभी मेरे पास क्या है, स्लैश ए बी सी, इफ आई हिट इट तो स्लैश ए बी सी नाम का कोई राउट मेरी राउटिंग में डिफाइन ही नहीं है, सो नथिंग गेट डिस्प्लेस या गेट्स डिस्प्लेड। और अगर मैं यहां पे कुछ भी ना लिखूं तो ये कुछ भी का कोई भी राउट अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास सिर्फ एक राउट अभी तक डिफाइंड है, कौन सा, होम का। तो इसका मतलब यहां पे अगर मैं जाके स्लैश होम लिखूं तो इफ एवरीथिंग गोज वेल तो मेरे पास कौन सा कंपोनेंट आना चाहिए, जो कि होम का कंपोनेंट है। एम आई मेकिंग सेंस? और अब मेरे पास दो राउट्स बाकी भी हैं, कौन कौन से, अबाउट और ये देख लें, एक अबाउट और एक कॉन्टेक्ट। तो व्हाट इफ आई गो एंड इफ आई राइट अबाउट, नथिंग वुड गेट डिस्प्लेड, रीजन बींग दैट कि हमने अबाउट का पाथ तो दे दिया लेकिन उसके अगेंस्ट हमने वो एलिमेंट नहीं दिया जिस एलिमेंट को रेंडर होना चाहिए। ठीक इसी तरह अगर मैं यहां पे कॉन्टेक्ट लिखूंगा तो दो के कॉन्टेक्ट का राउट डिफाइंड है लेकिन उस राउट के अगेंस्ट कंपोनेंट रेंडर होने के लिए हमने नहीं दिया, एक बात। दूसरी बात, एक एक्सेप्शन आपको नजर आ रही होगी यहां पे, देखिए अगर मैं होम लिखता हूं तो ये जो हेडर है और अगर इसका कोई फुटर होता, अभी हमारे पास नहीं है, इसका जो फुटर होता, इवन दो अगर कोई पेज भी नहीं है तो हेडर फुटर को तो शो होना चाहिए ना, बिल्कुल ब्लैंक पेज तो दैट डजंट मेक सेंस इनफैक्ट। तो इसका मतलब यह है कि इफ लेट सपोज आई एम गोइंग टू राइट लाइक अबाउट, अबाउट का कोई पेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा लेकिन जो हेडर है और जो फुटर है वो तो डिस्प्ले होना चाहिए ना, बीच में कंटेंट नहीं होना चाहिए, क्लियर। ये प्रॉब्लम आ क्यों रहा है? अच्छा पहले मैं जरा ये वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लूँ फिर इस प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने ये काम किया, अगर मैं अबाउट, मैं चाहता हूँ कि अगर ब्राउजर में एंटर होने वाला पाथ इस पाथ से मैच करे विच इज़ अबाउट, तो फिर क्या करो, इसका भी एलिमेंट रेंडर कर दो एंड दिस एलिमेंट इज गोइंग टू बी लाइक व्हाट, अबाउट।
और चूंकि हमने नॉर्मल जब इसे रेंडर किया था तो अबाउट कोई प्रॉप नहीं ले रहा था, दैट्स वाई वी आर नॉट गिविंग एनी प्रॉप, इट्स जस्ट अ बेयर मिनिमल सिंपल कॉम्पोनेंट, ठीक है। सो नाउ यू वुड सी अगेन द सेम प्रॉब्लम कि अगर मैं अबाउट पे जाऊंगा तो अबाउट का कंपोनेंट रेंडर हो गया है, लेकिन वेयर इज हेडर? क्योंकि आप जिस मर्जी पेज पे नेविगेट करें, हेडर और नेव बार ऊपर तो सेम रहनी है ना, वो तो चेंज नहीं होनी। एंड नाउ आई हैव एक्चुअली नेविगेटेड टू द अबाउट पेज बट आई डोंट हैव दैट नेव बार एट द टॉप। सेम इज विद दिस वन, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसके एलिमेंट पे जाऊँ, देन इसको यहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट करूँ, तो व्हेन आई एक्चुअली गो टू राइट कॉन्टैक्ट, तो मेरे पास कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट आ गया बट आई डोंट हैव दैट। लेट मी राइट समथिंग इन दीज टू कंपोनेंट्स सो दैट वी मे बी एबल टू ईच वन अबाउट पेज एंड देन पी एंड सम लॉरम इप्सम, दैट मेक्स सेंस। और इसको हम यहाँ से उठा के लेट्स कॉन्टैक्ट इट, तो नाउ अब पहला सवाल तो यह है कि हम जिस पेज पे जाएं तो हमारे पास ये जो नेव बार है ये होनी चाहिए, और ये नेव बार सिर्फ किसके आ रही है? होम में आ रही है। इसकी रीज़न आप सबको पता है कि हमने नेव बार को कहाँ इंपोर्ट किया हुआ है? होम के कंपोनेंट में इंपोर्ट किया हुआ है। तो एक हाल तो ये है कि आप नेव बार को जाके होम के कंपोनेंट में भी इंपोर्ट कर लें, अबाउट के कंपोनेंट भी इंपोर्ट कर लें, और कॉन्टैक्ट के कंपोनेंट में भी इंपोर्ट कर लें, तो फिर क्या हो जाएगा? सारों में नेव बार आ जाएगा। बट दैट इज़ अगेन एन इनफिशेंट वे कि आप नेव बार को हर कंपोनेंट में, यानी लेट सपोज फ्यूचर में आपके पास 10 पेज हो, तो आपको 10 दफ़ा क्या करना पड़ेगा? नेव बार को इंपोर्ट करना पड़ेगा। 20 कंपोनेंट हो तो 20 दफ़ा नेव बार को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो दैट्स नॉट अ गुड अप्रोच। वी हैव गॉट अ स्मार्ट वे। हमने ये कहा कि ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ना, ये क्या रेंडर कर रही हैं? आपके राउट्स को। तो जिस चीज़ को आपने राउट राउट में नहीं लाना, जिस कंपोनेंट को आपने राउट्स में नहीं लाना, उस कंपोनेंट को आप इस राउट्स से बाहर लिख दें। मेक श्योर कि मैंने पहले बोला है कि ब्राउजर राउटर से बाहर कुछ भी होगा तो वो काम नहीं करेगा। तो हमने राउट से बाहर लाना है, ब्राउजर राउटर से बाहर नहीं लाना। तो हमने किस चीज को राउटिंग में नहीं लाना? नेव बार को राउटिंग में नहीं लाना। सो दैट्स द रीजन वी आर एक्चुअली वी नीड टू गो एंड डिलीट दिस और इनफैक्ट कट दिस, और यहाँ से वापस आके, जाहिर है यहाँ से मैंने कट कर दिया तो अब इंपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं हुई। तो अब आप जब होम को देखेंगे तो होम इज स्टिल विदाउट द नेव बार। इस नेव बार को आप वापस आके यहाँ पे मूव कर लें। तो अब होगा क्या कि ये नेव बार हमेशा टॉप पे स्टिक रहेगी। ये चीज़ जो है ये डायनेमिक है, यानी बाज़ोकात ये रेंडर होगा, बाज़ोकात ये रेंडर होगा, बाज़ोकात ये रेंडर होगा, बेस्ड ऑन द पाथ दैट इज कमिंग और दैट इज बीइंग रिटन इन द यूआरएल ऑफ द ब्राउजर। लेकिन दिस वन इज आउटसाइड द राउट्स, तो ये किसी राउट की टेंशन नहीं लेगा, ये हमेशा अपीयर होगा। एम आई मेकिंग सेंस? नाउ ये इम्पोर्टेड नहीं है क्योंकि हमने इसको इम्पोर्ट नहीं किया, तो लेट मी क्विकली डू दैट। इम्पोर्ट नेव फ्रॉम, या ये कर लें, या इतने तरद्दुद से बेहतर है कि आप यहां पे लिखें, वो खुद ही इंपोर्ट कर लेगा नेव। सो कैपिटल नेव के साथ, ओके, इट्स नॉट कमिंग अप, सो मे बी कि वी हैव टू डू इट मैनुअली, इट्स नॉट कमिंग इन हियर, ठीक है। सो बल्कि ऊपर लिखा हुआ है, हमें वही मैनुअली काम करना पड़ेगा। इंपोर्ट नेव फ्रॉम, नेव कहाँ पे है जी? हमारा कंपोनेंट्स के अंदर, और यहाँ पे हमारा ये नेव। सो नाउ नेव शुड शो अप इन ऑल द कंपोनेंट्स एट द टॉप। सो लेट अस सी, ये हमारा होम का कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, और अगर मैं यहाँ से अब जाऊँ कॉन्टैक्ट के कंपोनेंट पे, सो वी स्टिल डू हैव नेव, और साथ में हमारा ये भी शो हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा अबाउट
तो हमारा होम ये वाला शो हो रहा है टॉप पे मेन्यू, और ये वाला कंपोनेंट चेंज हो रहा है। इसका मतलब वी हैव गॉट द राइट थिंग वर्किंग नाउ। अभी भी एक प्रॉब्लम है, रियलिस्टिकली कोई भी बंदा अगर उसने किसी एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करना हो तो वो ब्राउजर में जाके तो नहीं लिखता ना द वे आई एम डूइंग इट। तो इसका मतलब क्या है कि वी नीड टू मेक आर ऐप केपेबल ऑफ नेविगेशन बेस्ड ऑन क्लिक ऑन द बट क्लिक ऑफ द बटन्स दैट आर अवेलेबल इन द नेव बार। यानी यूजर अगर होम पे क्लिक करे तो होम पे आ जाए, यूजर अगर अबाउट पे क्लिक करे तो अबाउट पे आ जाए, यूजर अगर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करे तो कॉन्टैक्ट पे चला जाए। अभी ये काम नहीं हो रहा, अभी तो हम मैनुअली कर रहे हैं। सो हाउ टू डू दैट, इसके लिए दो स्टेप्स हैं बेटा। पहला स्टेप ये है कि आपने इस बटन के क्लिक पे, ये बटन नहीं है बाय द वे, ये एंकर टैग है, ठीक है, आपने इस एंकर टैग के क्लिक पे, अच्छा एक और चीज पहले, इससे पहले एक और प्रॉब्लम देख ले। जब यहां पे कुछ नहीं लिखा तो तब होम पेज को डिफॉल्ट आना चाहिए ना, ऐसे ही ना। यानी आप ऐसा कभी होता है कि आप वेबसाइट खोलें और होम पेज पे कुछ भी नहीं है और आप इंतजार करें जी कि आप किसी पे क्लिक करेंगे तो तब होम पेज ओपन होगा। तो द फर्स्ट राउट शुड बी डिफॉल्ट, या एटलीस्ट एक राउट जो है उसको डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए। सो अगर मैं यहां पे जाऊं और वापस राउट पे जाऊं तो इस पहले वाले होम को उठा के सिर्फ ये कर दूं, ठीक, सिर्फ ये कर दूं बगैर किसी राउट के, सो आई डू हैव दैट अवेलेबल। समझ रही बात? तो इसका मतलब ये है कि ये स्लैश का मतलब क्या है, अगर यहां कुछ नहीं तो ये ऑटोमेटिकली स्लैश एम्बेड कर देता है रिएक्ट ऑटोडॉक। अगर यहां कुछ नहीं है यानी कोई राउट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या शो करो, होम का राउट शो करो। और उसके लिए मैंने क्या किया है, यहां से ये सब कुछ खत्म करके क्या कर दिया, सिर्फ स्लैश कर दिया। इज दिस ओके? इट्स अ बेसिक सिंपल राउटिंग। अब हमारा बाय डिफॉल्ट ये शो हो रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि जब हम अबाउट पे क्लिक करें तो अबाउट के कंपोनेंट में मूव कर जाए, लेकिन उसके लिए दो स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर वन ये है कि हमने अबाउट के क्लिक पे वो पाथ यहां पहुंचाना है। कौन सा पाथ? जो हमने डिफाइन किया हुआ है। इसका मतलब यह है कि इफ वी आर सम हाउ केपेबल टू बिल्ड अ पाथ ऑन क्लिक ऑफ दिस अबाउट बटन इन टू द यू आर एल, वो जो राउट है वो ऑटोमेटिकली, सॉरी जो कंपोनेंट है वो ऑटोमेटिकली रेंडर हो जाएगा। तो हमारा टास्क क्या है कि हमने अबाउट के बटन के क्लिक पे यहां पे वो पाथ बिल्ड करना है, वो वाला पाथ जिसको अब अभी तक हम मैनुअली लिख रहे हैं, यानी कॉन्टैक्ट, ठीक। अगर आप इसको एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नया पेज आ जाएगा। समझ आई बात? दूसरी बात, मैंने कहा था रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। अभी तक अगर आप गौर से देखें तो मैं यहां पे लिखता हूं अबाउट, ये पेज देखिएगा, एंटर किया तो ये पेज रिफ्रेश हुआ, और रिफ्रेश हो गया ये सर, तो हमने ये पेज को रिफ्रेश भी नहीं करना। तो बहरहाल टास्क वन क्या है कि हमने यहां पे जो पाथ बिल्ड करना है वो किस पे, किसी लिंक पे क्लिक करके बने। तो इस काम के लिए हम यहां आते हैं वापस, वी नीड टू टेक सपोर्ट फ्रॉम द रिएक्ट राउटर डॉम। अब मुझे जितना कुछ भी ब्राउजर राउटर के अंदर है, इसका मतलब वो राउटेबल है। तो ये नेव का टैग किसके अंदर रेंडर हो रहा है? ब्राउजर राउटर के अंदर। तो इसका मतलब है जो रिएक्ट राउटर डॉम है वो हमारी नेव को भी इनकम पास कर रहा है, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज आप इसके अंदर जाएं यहां पे, और जिस तरह मैंने कहा था ना कि JSX के अंदर, या इनफैक्ट यहां पे कुछ काफी सारी एक्सेप्शंस भी हैं। अब एक एक्सेप्शन या लिमिटेशन ये है कि आप ये एंकर टैग रिएक्ट की ऐप में यूज नहीं कर सकते। आई रिपीट, एंकर टैग रिएक्ट की ऐप में यूज नहीं कर सकते। व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि एंकर टैग का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है कि एंकर टैग रिक्वेस्ट को सर्वर पे भेजता है। यानी एंकर टैग किस लिए होता है कि आप किसी पेज को उसके साथ लिंक करते हैं HRF में, और फिर जब आप एंकर टैग को क्लिक करते हैं तो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, सर्वर से वो नया पेज उठा के लाती है, ठीक है। जिनको सर्वर साइड लैंग्वेज का आइडिया है उनको समझ आ गई होगी, जिनको नहीं आइडिया परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट ये सुन लें, रीजन सुन लें और समझ लें, आगे चल के थोड़ा सा समझ आ जाएगी कि रिएक्ट चूंकि सिंगल पेज एप्लीकेशन है और वी डोंट वॉन्ट टू सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर वेन एवर वी वॉन्ट टू ओपन एन अनदर पेज और अनदर कंपोनेंट, दैट्स वाई यूज ऑफ एंकर टैग इज नॉट रिकमेंडेड। अच्छा, मैंने कहा ना यूज नहीं कर सकते, तो इसको जरा करेक्ट कर लें, यूज नहीं करना चाहिए, वरना आप मेरे पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आप तो कह रहे हैं यूज नहीं कर सकते तो ये यूज हो रहा है, चल भी रहा है, ठीक है। सो वी कैन यूज इट, बट वी विल यूज इट जस्ट टू एक्सेस द एक्सटर्नल पेजेस। मिसाल के तौर पे आप अपनी रिएक्ट की ऐप से फेसबुक का पेज ओपन करना चाह रहे तो आप क्या यूज करेंगे? एंकर टैग यूज करेंगे। लेकिन अगर आपने विद इन द रिएक्ट ऐप राउटिंग करनी है तो यू आर नॉट सपोज टू यूज एंकर टैग। तो फिर क्या हल है? एंकर टैग के लिए
की रिप्लेसमेंट और ऑल्टरनेटिव हमने दी है, हमें दी है किसने, रिएक्ट राउटर डॉम ने, और वो कौन सी दी है, लेट मी इम्पोर्ट लिंक। ये जो लिंक टैग है ये हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, राउटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे रिएक्ट में। और ये दो हैं, एक लिंक है और एक है नेव लिंक। तो वन ऑफ दीज टू टैग्स विल बी यूज्ड इन रिप्लेसमेंट ऑफ एंकर टैग इनसाइड रिएक्ट एप्लीकेशन। बात समझ आ गई है? तो अब मैं क्या करूंगा, जितने एंकर टैग्स हैं जिन्होंने मेरी रिएक्ट यानी विद इन द रिएक्ट ऐप राउटिंग करनी है, मैं उन सारे एंकर टैग्स को रिप्लेस कर दूंगा किसके साथ, या लिंक टैग के साथ या नेव लिंक के साथ। तो अभी मैं लिंक के साथ कर रहा हूँ, नेव लिंक का एक छोटा सा डिफरेंस है, वो आगे चल के दोबारा इस पर मैं फोकस करूँगा। सो जब आप इस पूरी की पूरी एंकर टैग को, एक एंकर टैग तो ये है ना, सो यू नीड टू कमेंट इट आउट एंड जस्ट गो एंड लिंक इट लाइक दिस वन। सो ये पेयर टैग है, इस लिंक टैग के अंदर आपको क्या करना है, इसकी जाहिर है ये कंपोनेंट है क्योंकि कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, और ये कंपोनेंट किसने दिया है, हमें रिएक्ट राउटर डॉम ने दिया है। तो कंपोनेंट्स क्या लेते हैं, प्रॉप्स ले सकते हैं ना। तो लिंक टैग के प्रॉप्स क्या हैं, जैसे एचरेफ का एक प्रॉप है ना, सॉरी एंकर टैग का एक प्रॉप है ना एचरेफ, तो एचरेफ में आप क्या देते हैं, लिंक। लिंक का मतलब लिंक टू द पेज वेयर यू वॉन्ट टू एक्चुअली मूव। तो लिंक कंपोनेंट का एक प्रॉप है विच इज टू, यानी एचरेफ की जगह यहां पे क्या आ गया, टू आ गया। यहां तक बात क्लियर हो गई है? और फिर इस टू में जाके आप यहां पे वो पाथ देंगे विच यू वॉन्ट टू गो टू। मिसाल के तौर पे मैं ये पाथ देता हूं जी, सिर्फ स्लैश देता हूं। अब याद रखिएगा, और यहां पे लिख देता हूं मैं, ये जो नेव बार था ना अंदर, ये बेसिकली नेव बार की जगह मैं यहां पे क्या करने लगा हूं, कोई लोगो आ जाएगा, फिलहाल मैं नेव बार ही लिख देता हूं। वैसे एक्चुअली ये कोई ना कोई लोगो होगा यूआई पार्ट में जाके, तो मैं ये लिख देता हूं। अब अगर मैं यहां पे जाऊं तो ये देख रहे हैं नेव लिंक। अब आप कह रहे होंगे यार ये बिहेव तो बिल्कुल वैसे ही कर रहा है जैसे एंकर कर रहा है। तो बिल्कुल ये बिहेव बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे क्या एंकर टैग करता है। इवन आप इसको इंस्पेक्ट करके देखें तो आपको इंस्पेक्शन में क्या मिलेगा, एंकर ही मिलेगा। तो इसका मतलब है ये जो लिंक का कंपोनेंट है ना, बिहाइंड द सीन रिएक्ट राउटर डॉम एंकर टैग ही रेंडर करता है, लेकिन वो एंकर टैग के बिहेवियर को रिएक्ट के मुताबिक चेंज कर देता है। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग रिक्वेस्ट टू द सर्वर, इट एक्चुअली सेंड्स रिक्वेस्ट टू ब्रिंग अनदर कंपोनेंट टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग वन। गॉट इट? अब जरा देखें होगा क्या, जब मैं इस नेव बार को, मैं किस पेज पे हूं अभी, अबाउट पे, तो मैंने क्या कहा, जब मैं इस पे क्लिक करूं तो मुझे प्राइमरीली क्या चीज करनी है, ये वाला पाथ चेंज करना है। सो व्हेन आई क्लिक ऑन दैट, वो पाथ यहां चेंज हो गया, और जो ही वो पाथ चेंज हुआ ऑटोमेटिकली मैं किस पे आ गया, होम पेज पे आ गया। गॉट इट? सो कंग्रेचुलेशंस, यू हैव इंप्लीमेंटेड द सिंपल राउटिंग। अब हमने यही काम किसके साथ करना है, होम के पेज के साथ, अबाउट के पेज के साथ और कॉन्टैक्ट के पेज। लेकिन आप ये कहेंगे यार इसने तो स्टाइल ही खराब कर दी हमारे, क्योंकि ये नेव पे डिफॉल्ट स्टाइल बूटस्ट्रैप के अप्लाई हुए थे ना, तो वो तो खराब हो गए। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कोई भी क्लास एंकर को दे सकते हैं, आप क्लास एग्जैक्टली वही उठाएं और आप इसको वही क्लास दे दें, इट विल वर्क। तो अब आप जाएं, स्टाइल वापस आ गया बूटस्ट्रैप वाला, एंड इट इज स्टिल वर्किंग। यानी कैसे वर्किंग, अगर मैं दोबारा जाऊं मैनुअली कॉन्टैक्ट के ऊपर और दोबारा यहां पे आऊं, इट इज वर्किंग द वे इट इज सपोज टू बी। क्लियर होगी बात? अब सिंपल हो गया ना, अब सिंपल मैंने, मुझे यही लिंक टैग यूज करना है किस काम के लिए, लेट्स सी, आई हैव टू यूज इट फॉर द होम टैग। तो होम के लिए मुझे क्या करना है, मैं सिर्फ इस एंकर को रिप्लेस कर दूंगा किसके साथ, लिंक के साथ एक, और दूसरा मुझे यहां एच रेफ की जगह क्या देना है, टू, और तीसरा मुझे यहां पाथ देना है क्या, चूंकि ये होम का बटन है तो इस पर भी क्या कर दें, होम ही दे दें। लेकिन चूंकि हमने लोगों पे होम का बटन ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो बेस्ट है कि आप इसको खत्म ही कर दें, बिकॉज वी नीड, बल्कि इस कॉन्टैक्ट को खत्म कर दें, इसको आप कर दें अबाउट, और इसको आप कर दें क्या, कॉन्टैक्ट। चूंकि होम के लिए तो आप मेन लोगों पे क्लिक करेंगे तो होम आ जाएंगे, ठीक है। अब दो एंकर टैग्स रह गए हमारे पास, बल्कि एक रह गया, एक ये तो हो गया ना, और अबाउट के लिए यहां पे क्या करूंगा, ए बी ओ यू टी अबाउट। तो बेसिकली ये लिंक का टैग क्या काम करता है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये टू के अंदर जो भी पाथ लिखा होता है ये उसे उठा के कहां एम्बेड कर देता है, यूआरएल के अंदर।
जब यूआरएल के अंदर एम्बेड हो जाता है तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ द राउटिंग इन द रूट कंपोनेंट, मैचिंग वाला काम। अब उसके बाद यहां पे आए और इस एंकर टैग को भी रिप्लेस करते हैं विद दिस लिंक। मेरे पास एक एक्सटेंशन है ऑटो रीनेम टैग, जिसकी वजह से मैं ओपनिंग टैग रीनेम करता हूं तो क्लोजिंग टैग खुद ही रीनेम हो जाता है, ठीक है। देन गो एंड टू, और इस टू में यहां जाके आप क्या करेंगे, स्लैश अबाउट हो गया तो हमारा क्या आ गया, स्लैश कॉन्टैक्ट। नाउ इफ यू कम बैक हियर तो हमारे पास तीन है, दिस इज फॉर होम, वी आर ऑलरेडी एट द होम कंपोनेंट, दिस इज फॉर अबाउट, वी आर ऑन द अबाउट पेज, एंड दिस इज फॉर द कॉन्टैक्ट। और देख लें को पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, कोई रिक्वेस्ट सर्वर पे नहीं जा रही, एंड द रिक्वेस्ट वॉज एक्चुअली गोइंग टू द सर्वर बिकॉज ऑफ द एंकर टैग्स। या वेन वी वर राइटिंग द यू आर एल मैनुअली, खुद हम लिख रहे थे फिजिकली, तब भी हमारी रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर पे जा रही थी। आप सोच रहे होंगे यार सर्वर किधर है, हमने तो सर्वर इंप्लीमेंट ही नहीं किया। तो इसका जवाब यह है कि ये जो रिएक्ट की ऐप वीट पे या कहीं भी रन करते हैं तो ये लोकल सर्वर पे रन हो रही है। लोकल होस्ट का मतलब क्या है, लोकल सर्वर, आपका अपना सिस्टम बतौर सर्वर ट्रीट हो रहा है, समझ आइए बात। तो एनीवेज कॉन्टैक्ट पे आगे, अबाउट पे आगे और नेव बार पे आगे, एंड दैट वर्क्स वेल विद द वेरी वेरी सिंपल राउटिंग। यहाँ तक सब क्लियर हो गया, यहाँ तक कन्फ्यूजन है तो बता देंगे। सॉरी मुझे ड्राई दिया था आपने, हो रही है मैंने कहा शायद कह रहे हैं रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अक्सर क्लास नहीं ले सकते तो फिर बाद में वो कहते हैं जी रिकॉर्डिंग दैट शुड बी सेंट, तो एनीवेज फिर रिपीट करना मुश्किल हो जाता है। क्लियर होगी जी बात। अब हमें अगले काम पे जाना है और अगले काम पे इस राउटिंग में थोड़ी सी एनहांसमेंट करनी है। कोई सवाल है जी ऑनलाइन? यस सर। सर एक क्वेश्चन है कि हम लिंक के थ्रू सारी राउटिंग करेंगे और जो बाहर के जैसा लोगो वगैरह लगाते हैं फेसबुक के या इंस्टाग्राम के, तो वहां पे एंकर टैग ही इंप्लीमेंट करेंगे। अगर लेट्स सपोज यहाँ आपके सोशल मीडिया पेजेस लिंक करने हैं आपको तीन चार, यानी फेसबुक का आइकन लगाना है, ट्विटर का आइकन लगाना है, या आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट, तो वो राउटिंग आपकी ऐप के अंदर तो नहीं है ना, ठीक है, आपने उसके क्लिक पे कोई एक्सटर्नल लिंक ओपन करना है, ठीक है, क्लियर हो गया जी। तो मैंने ये बात अभी बोल दी थी अपनी डिस्क्रिप्शन में कि अगर आप कोई ऐसा लिंक लगाना चाहते हैं थ्रू विच यू वॉन्ट टू ओपन द एक्सटर्नल साइट, एक्सटर्नल लिंक, तो वो राउटिंग आपकी रिएक्ट ऐप की नहीं रही, अब वो एक्सटर्नल जाएगी, और उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, एंकर टैग यूज कर सकते हैं। बट इफ यू वांट टू डू राउटिंग विद इन योर लोकल ऐप देन यू आर बाउंड टू एक्चुअली यूज द लिंक टैग। क्लियर होगी बात? परफेक्ट, ओके। यस सर, क्लियर। अब अगर आप, ये मैंने लिंक तो समझा दिया, व्हाट इज दिस फॉर, देन इफ लिंक्स एक्चुअली फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट व्हाट दिस नेव लिंक इज फॉर, That's a little thing, which I should actually, आप ये देख रहे हैं कि ये दो लिंक्स हैं टोटल हमारी नेव बार में, उनमें से एक एक्टिव है, अभी बताऊं या थोड़ी देर बाद बताऊं, पता नहीं है, इनमें से एक एक्टिव है। तो अगर मैं इसको हटा दूं, अच्छा पहले देखें इसकी मौजूदगी में देखें, जो एक्टिव होता है ना वो थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट होता है और जो इनएक्टिव होता है वो, अगर मैं इस पे आऊं तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त एक्टिव पेज कौन सा है, कॉन्टैक्ट है, लेकिन यहां एक्टिव क्या शो रहा है, अबाउट शो रहा है। इसका मतलब है डायनामिकली ये चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि यहां तो स्टैटिक लिखा हुआ ना एक्टिव, तो ये हमेशा एक्टिव यही रहेगा, तो मैंने कोई डायनामिक तरीका तो यूज नहीं किया कि यार जो लिंक करंटली क्लिक्ड हो या जिस पेज पे आप खड़े हो वही क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, विच इज नॉट ट्रू इन राइट केस, बिकॉज हमने क्या लिखा हुआ है कि यार ऑलवेज एक्टिव क्या हो, अबाउट ही हो। तो नेव लिंक का ये काम है कि नेव लिंक और लिंक में ये फर्क है कि नेव लिंक ऑटोमेटिकली एक्टिव की क्लास उस लिंक को ऐड कर देता है जिस लिंक पे आपने क्लिक किया होता है, तो ये डायनामिकली क्या कर देता है, एक्टिव की क्लास ऐड कर देता है। लेट मी शो यू हाउ, क्या बूटस्ट्रैप कर रहा है एक्टिव अभी? अभी तो नहीं कर, लेकिन मतलब उसका काम उसे करना चाहिए ना यार।
किस बूटस्ट्रैप को? क्यों? ये काम बूटस्ट्रैप का नहीं है, मतलब जिसपे एक्चुअली क्लास हो, जो भी स्टाइल वगैरह अप्लाई होने हैं, ये सारा कुछ तो हमें बूटस्ट्रैप नाम के अंदर कर दीजिए ना। तो बूटस्ट्रैप ने एक्टिव क्लास दे दी ना कि आपके एक करंटली सेलेक्टेड एक्टिव जो नेव लिंक होगा वो एक्टिव होगा, क्लास उसने दे दी है ना। अब ये उसका ठेका नहीं है ना कि उसको डायनामिकली चेंज भी वो करके दे, क्योंकि वो तो आपने अपने सिनेरियो में इंप्लीमेंट कर। यही तो बताने लगा ना कि पता कैसे लगेगा, यही तो उसका, यही तो वो काम है जो नेवलिंग हैंडल करता है। भाई आपको नहीं पता लगेगा ना, दिस इज व्हाट वी आर यूजिंग नेवलिंग। जो इन्होंने सवाल किया ना, आपको क्लियर होगी बात? मतलब हम अगर नॉर्मली बूटस्ट्रैप यूज ना भी करें तो हमने किस लिंक पे क्लिक किया कैसे पता लगेगा, इसी बात का तो जवाब दे रहा हूं, वही सवाल पूछ रहे हैं आप। ठीक है, दिस इज द जॉब दैट इज डन बाय नेवलिंक फॉर अस, कि हमें नहीं पता लगता कि किस पे क्लिक किया, तो वो हमें बताएगा भाई जन तुमने इस पे क्लिक किया। और कैसे बताएगा? डायनेमिकली ऑटोमेटिकली एक्टिव की क्लास ऐड करके बताएगा, भाई जन ये एक्टिव है, इस पे आपने क्लिक किया। क्लियर? अब आपके सवाल पे आते हैं। आप कहते हैं जी बूटस्ट्रैप ने एक्टिव दी हुई है, तो बूटस्ट्रैप ने तो एक्टिव दी हुई है भाई, वो आपको नजर भी आ रही है। लेकिन बूटस्ट्रैप के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो डायनामिकली एक्टिव की क्लास शिफ्ट कर दे उस पे जिस पे आपने अब क्लिक किया है। मिसाल के तौर पे बूटस्ट्रैप ने सिर्फ एक्टिव की क्लास क्यों दी हुई है? कि यार जिसको आपने करंटली एक्टिव करना है ना, उसको सिर्फ एक्टिव की क्लास दे दे। अब उसको एक्टिव की क्लास डायनामिकली कैसे देनी है, दिस इज नन ऑफ द बूटस्ट्रैप्स बिजनेस। ये बूटस्ट्रैप का बिजनेस नहीं है। क्या आपने आज तक जितनी स्टैटिक वेबसाइट्स बनाई हैं उसमें ये एक्टिव वाला काम किया है और बूटस्ट्रैप ने आपको ताबून किया है इस पर? आपको कस्टम जेएस की लॉजिक लिखनी पड़ती है या कस्टम बैकएंड की लॉजिक लिखनी पड़ती है इस काम के लिए? मैं, मेरे ख्याल में मैंने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया आपके लिए, वैसे ही क्वेश्चंस काम का शुरू हो गए। छोड़े पहले लेवलिंग को यार, अभी लिंक यूज करें, यू आर एट द बेसिक्स। ठीक है, आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। नहीं सर, ये बता दें, बहुत ज्यादा आता है लेवलिंग। अच्छा चले चले ठीक है। अब मिक्स ये ट्यूटोरियल देखते हैं ना, तो उसमें आता रहता है लेवलिंग का, बता दें। अच्छा चले ठीक हो गया, तो मैं इसलिए बताने लगा था, लेकिन आप एक नई सिचुएशन में, नई कंफ्यूजन में पड़ गए। बेसिकली यू आर राइट एट सम पॉइंट के जी बूटस्ट्रैप गिव्स अस एन एक्टिव क्लास, but it is not the responsibility of bootstrap to keep on moving that active class based on the link on which we clicked. For that we are using nevlink. aur jo aapne kaha ji kaise pata chalega, nahi pata chalega na bhai, usi kaam ke liye nevlink use kare. ab dekhen maine yahan se bootstrap ne ek ko active, acha ye yaad rakhiyega bootstrap ke jitne elements hai na, jaise aap carousel use karte hain, to carousel mein bhi, by the way nevlink wala kaam udhar use nahi hoga, lekin carousel mein bhi ek waqt mein ek item active hota hai, baaki sare kya hote hain, inactive hote hain. jab aap carousel ko slide karte hain तो जो स्लाइड इन होकर नया आता है, एक्टिव की क्लास उस पर शिफ्ट हो जाती है, तो वहां बूटस्ट्रैप ने वो लॉजिक इंप्लीमेंट की हुई है। ठीक है, फिर ड्रॉपडाउन पे देखें, क्योंकि उसके बगैर वो मुमकिन ही नहीं है ना। ड्रॉपडाउन पे देखें, आपने अगर कभी इंस्पेक्ट करके देखा हो, तो जब आप ड्रॉपडाउन पे क्लिक करते हैं, तो जब ड्रॉपडाउन आता है, तो ड्रॉपडाउन के साथ शो की क्लास ऐड हो जाती है खुद ब खुद, और जब वापस ड्रॉपडाउन को बंद करते हैं, तो वो शो की क्लास क्या हो जाती है, टॉगल हो जाती है, वापस हाइड हो जाती है। तो कुछ कंपोनेंट्स में बूटस्ट्रैप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सब में नहीं है। यानी वो ड्रॉपडाउन का फंक्शन क्लास टॉगल के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। है पॉसिबल? स्लाइड्स का, स्लाइड इन स्लाउड आउट का फंक्शन डायनामिक क्लास एडिशन के बगैर पॉसिबल ही नहीं है, तो उसने खुद ही जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट लिख दिए। ठीक है, तो दिस इज समथिंग जो कि हमें खुद कस्टम हैंडल करना है। तो एनीवेज, तो ये जो बेसिकली क्लास है ना, ये मैं हटा देता हूँ एक्टिव की। तो जब एक्टिव की क्लास हटा दूंगा, तो अभी देखें दोनों इनएक्टिव हो गए, थोड़े से डिम नजर आ रहे हैं आपको। जब एक्टिव की क्लास होती है तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, वाइब्रेंट हो जाता है। बाय द वे, आप एक्टिव की क्लास को ओवरराइड करके अपने कस्टम स्टाइल भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक छोटा सा लिख दूं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। ये एक्टिव की क्लास है ना, तो कुछ एक्टिव की क्लास के कुछ स्टाइल बूटस्ट्रैप ने लिखे हैं, मैं उनको ओवरराइड करके कुछ नए लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो आई डू हैव दैट इंडेक्स डॉट सी एस एस। सो आई एम लिटिल सॉरी यार, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज आपने कहा है तो मैं कर देता हूँ। मैं इसमें बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर देता हूँ, दैट्स प्रॉबली गोइंग टू बी रेड। तो अब जो एक्टिव होगा उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। एंड व्हाट आई वांट इज कि जब मैं यहां पे मूव करूं, सॉरी अभी मैं अबाउट पेज पे हूं, तो दिस इज ऑल फाइन, जो करंटली पेज ओपन है तो वो एक्टिव भी है। लेकिन अगर मैं इधर मूव करूंगा, तो अब पेज कॉन्टेक्ट का ओपन है, एक्टिव क्या लगा हुआ है, अबाउट लगा हुआ है। दैट इज बिकॉज कि एक्टिव की क्लास उधर क्या हुई है, स्टैटिकली दी हुई है, फिक्स दी हुई है। एंड दैट इज द प्लेस वेयर वी नीड टू एक्चुअली टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर डायनामिक एक्टिव, यानी मेकिंग दैट क्लास डायनामिक। ठीक है, सो बाकी एक्स्ट्रा चीज़ों को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। तो अब मैं इस एक्टिव की क्लास को रिमूव कर देता हूँ। जब मैं रिमूव कर दूंगा, तो अब जिस मर्जी पे जाएं, वो कोई एक्टिव इनएक्टिव नहीं रहा।
अब मैं चाह रहा हूं कि जिस एंकर टैग पे या जिस लिंक पे क्लिक करूं वो क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए। जरा थोड़ा सा इंस्पेक्ट में देखते हैं हम पहले। इंस्पेक्ट में इसका क्या बिहेवियर है, पहली बात तो ये देखिएगा कि जब आप इस चीज को ऐड करते हैं तो ये आपका एंकर टैग है, ठीक। तो मैंने आपको क्या कहा था कि आप लिंक टैग यूज करते हैं, इंटरनली रिएक्ट राउटर डॉम रेंडर उसे क्या करता है बतौर एंकर टैग ही करता है। तो पहली बात तो ये समझ आ गई है। इसके साथ इसकी क्लास देखें जरा, क्लास कहां पे है जी इसकी, ये है क्लास। तो करंटली इसकी क्लास क्या, पहली है, हम वैसे ही आगे ढूंढ रहे हैं। करंट इसकी क्लास क्या है, नेव लिंक। और अगर आप दूसरे पे जाएंगे यहां पे तो इसकी क्लास भी क्या है, नेव लिंक। तो नेव लिंक एंड नेव लिंक, देयर इज नो एक्टिव क्लास, चाहे मैं इस पे क्लिक करूं या ना करूं कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। नाउ कम बैक हियर और रिप्लेस द लिंक विद द नेव लिंक। ये नेव लिंक आ गया और ये भी क्या आ गया आपका, नेव लिंक। ऑब्वियसली लिंक की जगह नेव लिंक यूज कर लें। सो जितने नहीं, जहां जहां आपको चाहिए कि कोई एक्टिव की क्लास ऐड हो या ना हो, ठीक है। अब अगर मैं, अब मैंने कुछ भी नहीं किया, उसने खुद ही एक्टिव की क्लास लगा दी। और किस पे लगाई, जो करंटली कंपोनेंट ओपन है। अगर आप यहां पे देखें तो इधर किधर गया, ये कैन यू सी दिस नेव लिंक और साथ में दूसरी क्लास क्या है, एक्टिव। अगर मैं इस पे आता हूं तो उससे एक्टिव की क्लास हट गई है और एक्टिव की क्लास किसके पास आ गई है, इसके पास आ गई है। एंड नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेव लिंक। वैसे चले मुझे भी बताइएगा। देखिए दो चीज़ें ना, मे बी के कोई कस्टम बूटस्ट्रैप में, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर हमें करना है तो हम कस्टम लॉजिक लगा के कर सकते हैं या बूटस्ट्रैप के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस भी अवेलेबल हैं जिनको हम मे बी यूज़ करके भी ये काम अचीव कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो यहाँ नेव लिंक और लिंक में डिफरेंस बताना है ना, मुझे बूटस्ट्रैप की बहस में क्यों उलझा रहे हैं हम जब मैं एक बात पहले बड़ा एक्सप्लिसिट आंसर दे चुका हूँ। तो अगर वो कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है भाईजान, आप बिल्कुल यूज़ ना करें नेव लिंक और लिंक को, ठीक होगी बात। अगर बूटस्ट्रैप कर सकता होता ना इस केस में, तो मैं इसे एंकर टैग रख के या लिंक टैग रख के भी कर रहा था तो वो वहाँ पे नहीं हो रही थी। बहरहाल भी मुझे भी बताइएगा। नेव लिंक नहीं, एंकर टैग, प्लेन एंकर टैग। Within the React app अगर राउटिंग करनी है तो हम लिंक और नेव लिंक यूज करते हैं। और अगर आउट मतलब आउटसाइड को छोड़ ही दें यार, वैसे मेरी गलती हो गई है, वो एक्स्ट्रा चीज बता के आउटसाइड, तो वैसे ज़िमनन इसलिए बताया कि आप वैसे कंफ्यूज ना हो जाए कि हमने React app में कई जगह एंकर टैग भी देखा है और आप कह रहे हैं जी एंकर टैग नहीं होना चाहिए, ये क्या बदतमीजी है। तो मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया भाईजान कि कहीं अगर आप देखें तो वो उस काम के लिए होगा जब आप किसी एक्सटर्नल लिंक के साथ इसको लिंक करना चाह रहे हैं, पैचअप करना चाह रहे हैं। अच्छा सर, बस यही डिफरेंस है लिंक में और नेव लिंक में, कि नेव लिंक हम नेव बार में यूज करते हैं और एक्टिव क्लास शो करने के लिए यूज करते हैं। जी जी, प्राइमरीली ये डिफरेंस है। और वरना हमें कोई भी रिएक्ट ऐप के अंदर यूज करना हो राउटिंग वगैरह तो वो हम लिंक से करेंगे। लिंक भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गई जी बात। चूंकि मैं इसलिए ये बताना मकसूद समझा, हालांकि लिंक और नेव लिंक भी नहीं बताना चाह रहा था दोनों चीजें, लेकिन मैं इसलिए बताया कि समटाइम आप YouTube पे ट्यूटोरियल्स देखते हैं, समटाइम आप कोई स्टैक ओवरफ्लो से हेल्प लेते हैं, तो बाज़ोकात आप देखेंगे लिंक लगा हुआ है, बाज़ोकात आप देखेंगे नेव लिंक लगा हुआ है, तो फिर आप मेरे पास आएंगे सर जी आपने तो लिंक पढ़ाया उधर नेव लिंक हमने देखा है। तो आई थॉट कि यार दोनों को बता दूं। बहुत देखा है, बहुत सारे ट्यूटोरियल में नेव लिंक यूज हुआ था, मैं समझ रहा था वर्जन 5 का ही। नहीं नहीं नहीं, इट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंट। मैंने आपको इसलिए डॉम में दिखा दिया ना कि हाउ एक्चुअली इट इज वर्किंग बिहाइंड द सीन इन द डॉम, ठीक होगी बात। अब मुझे बताएंगे इस पे एक्टिव की क्लास क्यों नहीं ऐड कर रहा, क्या आप लोगों पे एक्टिव की क्लास लगाएंगे कभी? नहीं। तो उसको क्या किया है, सिंपल लिंक दिया हुआ है। कैन यू सी दिस, इसको क्या दिया हुआ है, सिंपल लिंक दिया हुआ है। इसको क्या दिया हुआ है, नेव लिंक दिया हुआ है। इसको भी क्या दिया हुआ है, नेव लिंक दिया हुआ है। और अब जो हार्ड कोडेड एक्टिव क्लास थी वो किसी के साथ भी नहीं,
क्यों हार्ड कोडेड एक्टिव क्लास किसी के साथ नहीं है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम होम पेज ओपन कर रहे हैं, और होम पेज अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो यहां एक होम का बटन बना दें, और उस होम के बटन को भी ऑब्वियसली डिफॉल्ट राउट दे दें, तो डिफॉल्ट राउट का मतलब सिर्फ स्लैश दे दें, तो स्लैश में सिर्फ वही सिलेक्टेड होगा। ये बात क्लियर हो गई है? इट्स स्टिल अ वेरी बेसिक राउटिंग। तो अगर ये क्लियर हो गई है तो अब हमारे पास टाइम थोड़ा सा बचा है, तो हम अगर आप इजाजत दें तो वो स्ट्रेट लिफ्टिंग वाला हम कर लें, क्योंकि अगला राउटिंग का काम पता है क्या, लिटिल मैं इस राउटिंग को मजीद थोड़ी सी एनहांसमेंट पे लेके जाऊंगा। अब हम उस चीज पे पहुंचेंगे कि जब इस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्लिक हो तो अगला नया पेज पेज ओपन हो, डिटेल पेज, और उस पेज पे सिर्फ इस कंपोनेंट की इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या शो हो, डिटेल शो हो, और फिर हम उस पर करेंगे जी वो काउंटर और एड टू कार्ड, और फिर वहां से एक नया प्रॉब्लम या एक नया यूज केस इमर्ज होगा। कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, स्टेट लोकल पढ़ी है, और लोकल स्टेट को शेयर करने के लिए प्रॉप्स तरीका पढ़ा है। तो यहां जब मैं ऐड टू कार्ट और कार्ट को अपडेट करना और क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज करना शुरू करूंगा, तो यहां से एक नया यूज केस इमर्ज होगा कि वी नीड टू शेयर द स्टेट ग्लोबली। हमें स्टेट को, यानी यूं समझ लें कि हम ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट की जरूरत हमें पड़ेगी, तो फिर हम रिडक्स की तरफ मूव करेंगे। तो मैं इंटेंशनली ऐसे सिनेरियोस क्रिएट कर रहा हूं जिस सिनेरियो से हम एक लिमिटेशन तक पहुंचे, हमें पता चले कि यार यहां ये लिमिटेशन है, इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए अब हम नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। समझ आ गई बात? सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि हम उस फ्लो में ही लेकर चलें इस चीज को। तो एनीवेज जी, अब हमने करना क्या है, स्टेट लिफ्टिंग वाला एक बंदे ने मुझे जिक्र किया, अगर मैं यहां पे एक नया लिंक बना दूं और उस लिंक पे अक्सर आपने वेबसाइट पे देखा होगा साइन इन और साइन अप, और जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप पे आपके सामने साइन अप का पेज या साइन इन का पेज आ जाता है, और साइन इन साइन अप आप करके लॉग इन भी हो सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसी के ऊपर एक क्लोज का बटन बना होता है, और क्लोज के बटन पे आप क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं। इफ आई कैन शो यू लाइक दैट इज जमीन, आई थिंक आई हैव सीन समवेयर हियर, हाँ मूडल, आई एम एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट दैट। अगर मैं यहाँ यस इस पर क्लिक करता हूँ, यस कैन यू सी दिस, मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत होगा तो मैं बाद में खुद को करेक्ट कर लूँगा, मेरे ख्याल में ये स्टेट लिफ्टिंग के लिए बेहतरीन एग्जाम्पल समझ आएगी आपको। तो वट आई वॉन्ट टू डू इज़ आई वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट दिस काइंड ऑफ थिंग, कि मैं यहाँ पर एक बटन बनाने लगा हूँ, उसके क्लिक पर मैं क्या करना चाहता हूँ, पॉपअप ओपन करना चाहता हूँ, और फिर इस पॉपअप के बटन पर क्लिक करके वापस इसे क्या करना चाहता हूँ, क्लोज करना चाहता हूँ। सिर्फ स्टेट लिफ्टिंग की एग्जांपल समझाने के लिए कि स्टेट लिफ्टिंग का प्रैक्टिकल यूज केस कहाँ कहाँ पॉसिबल है, और भी बहुत सारे सिनेरियोस हो सकते हैं, दिस इज द सिंपलेस्ट वन। क्लियर? सो लेट मी डू दैट, लेट मी फर्स्ट क्रिएट अ बटन इन माय नेव बार। मैं अगेन ये बात करूँ कि मैं बहुत सी चीजें ना नॉर्मली अक्सर होता है कि मैं स्टार्ट करता हूँ कि ये ऐसे होगा जैसे मैं सोच रहा हूँ, और बाद में चल के वैसे नहीं होता, उसमें कोई और एक्सेप्शन आ जाती है, तो अगर ऐसी आई तो माजरा, बट दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग आई कैन एक्चुअली प्रेजेंट। तो मैं यहाँ पे एक नया बटन बना रहा हूँ, और इस बटन के अंदर मुझे क्या बनाना है जी, लेट्स सी, मैं इसके अंदर सिंपल बटन या आइकन बना रहा हूँ, ठीक है, आइकन भी बना सकते हैं आप, वो जैसे यूज़र कहते हैं, अभी हमारे पास आइकन है नहीं, तो वी कैन सेफली डू दिस लॉग इन। सो यस, दिस इज़ द लॉग इन बटन। स्टाइल पे अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो आप इसको क्लास नेम दे के BTN दे दें, और BTN इन्फो दे दें, और अगर आप इसकी एम ई कर दें, एम ई फॉर मार्जिन एंड 2 पिक्सल, ताकि ये दूसरे से यहाँ से थोड़ा सा गैप पे आ जाए, ठीक है। सो अब मैं इस पर क्लिक करके क्या करना चाहता हूँ, एक मॉडल ओपन करना चाहता हूँ। तो आपको एक चीज़ मैं दिखा दूँ कि व्हाट आई वांट टू डू इज़, एक जो मॉडल है ना जो पॉपअप आता है, उसकी डिज़ाइनिंग के लिए मैं उसे अलग ही बनाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल अलग बनाएंगे। एक तो आप जब अभी तक टॉपिक डिस्कस नहीं होता, आप सवाल पहले ही पूछ लेते हैं, मैंने फ्लो तोड़ देते हैं, थोड़ा सा सबर तो करें ना। हम मॉडल कंपोनेंट को रीयूजेबल बनाने के लिए अलग कंपोनेंट बनाएंगे, ताकि इसी एक मॉडल को अगर 6 डिफरेंट जगहों पे भी यूज किया जाए, करे ना बंदा, तो ये एक ही मॉडल यूज किया जा सके। तो कंपोनेंट्स का तो रॉकेट साइंस ही यही है कि रीयूजेबिलिटी, ठीक है। तो जस्ट टू मेक सेंस, फिलहाल मैं थोड़ी देर के लिए इसको यहीं बना रहा हूँ, बाद में इसको यहाँ से बाहर मूव कर दूंगा, यहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता है सबको कि मॉडल बनाने के लिए क्या करते हैं हम, मॉडल ओवरले। अच्छा, जो लोग कहते हैं जी बूटस्ट्रैप में बना बनाया, बिल्कुल आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बना बनाया तो उसकी अपनी स्क्रिप्ट भी लिखी हुई है, तो फिर शायद उससे हम अपना मकसद अचीव ना कर सकें, हम अपना कस्टम इसलिए बना रहे हैं, ठीक है। सो इसके अंदर
बेसिकली इसके कुछ स्टाइल लिख लेते हैं, और इन स्टाइल्स में मैं जाके जल्दी से बगैर एक्सप्लेन किए स्टाइल्स लिख देता हूँ। आई होप कि आप सारे लोग वो समझ जाएंगे। इसको मैं देता हूँ जी बी जी सी आर जी बी ए, और इसको मैं देता हूँ जी 0.00 and 0.6, और इसको मैं दे देता हूँ जी पोजीशन विच इज़ फिक्स्ड, और इसको दे देता हूँ इनसेट विच इज़ 0। ठीक है, सो लेट मी शो अप इन हेयर, और इसको मैं देता हूँ जी z इंडेक्स दैट इज़ गोइंग टू बी एनी पॉजिटिव वैल्यू, लेट सपोज 99। सो ये मेरा पॉपअप बन गया काइंड ऑफ, और इसके ऊपर मुझे अब एक इनर बॉक्स बनाना है विच इज़ काइंड ऑफ लाइक इनर मॉडल, या मॉडल इनर कह देते तो ज़्यादा अच्छा था, बट दैट इज़ समथिंग कि मैं इसको यहाँ पे देता हूँ। यहाँ पे कई लोग सी एस एस एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, तो वो प्लीज़ ज़रा वो अपने अंदाज से इससे अच्छी तरीके से बना सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी विड्थ, यानी ये उसके ऊपर जो सफ़ेद रंग का वो होता है, मैं इसको देता हूँ जी 60%, और इसकी मैं पैडिंग दे देता हूँ, लेट्स सी कोई 24 pixels, और बी जी सी वाइट दे देता हूँ उसको, लेट मी शो इट राइट इन हियर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, और मैं इसको कहता हूँ जी टॉप इज़ गोइंग टू बी 50% एंड लेफ्ट इज़ गोइंग टू बी 50%, और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट is going to be minus 50 and minus 50%, so that should come up right into the center। अच्छा, ये मैंने सारा कुछ किया, लेकिन चूँकि टॉप और लेफ्ट सिर्फ उसी पर काम करती हैं जिसको पोजिशन मिली होती है, तो इसको मैंने पोजिशन नहीं दी हुई, सो दैट्स करे भी पोजिशन इसको भी कर दें फिक्स्ड, सो दैट शुड कम अप राइट इन टू द सेंटर। ठीक है, इसमें कुछ कॉन्टेंट लिख दें ताकि कुछ नज़र आए आपको। So right now lorem 200 and that's what serve the purpose। ठीक हो गया, अब हमें नॉर्मली ये शो नहीं करना, बल्कि इस लॉगिन के बटन के क्लिक पे ये शो करना है। तो ये आपको पता है कि हम यहाँ पे एक लोकल स्टेट बनाते हैं, क्योंकि हम जाहिर है किसी भी चीज़ के शो होने को या हाइड होने को स्टेट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ जी कि let use state and that is going to be false, by default ये क्या हो false हो, और मैं इसे कहता हूँ variable को नाम दे देता हूँ जी के is model open, और साथ ही कह देता हूँ जी के set is model open। make sense, कोई मसला नहीं है तक। और फिर मैं इस model के base पे इसको conditionally render कर सकता हूँ, यानी इस पूरे के पूरे को यहाँ से मैं कट करता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कि इज़ मॉडल ओपन, अगर ये ट्रू है तो फिर क्या करे ये JSX दिखाए, और अगर ये फॉल्स है तो कुछ भी ना करे या नल कर दे। ये टर्नरी ऑपरेटर सबको पता ना कि अगर इस वेरिएबल की वैल्यू ट्रू होगी तो ये सारा कुछ चलेगा, और अगर फॉल्स होगी तो कॉलन के बाद वाला चलेगा, और कॉलन के बाद क्या है कुछ भी नहीं। मेकिंग सेंस? तो अब मुझे बताएं कि इज मॉडल ओपन की वैल्यू क्या है डिफॉल्ट, फॉल्स है, तो इस पूरे पॉपअप को यहां से गायब हो जाना चाहिए। इतना भी मैंने नहीं कहा था कि सारा कुछ गायब हो जाना चाहिए सारा कुछ गायब हो गया। सो लेट्स सी, वी हैव सम एरर, एंड व्हाट एरर इज दैट, लेट मी एक्सप्लोर इट फर्स्ट। ओहो, ये क्या हो गया, यू स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड। तो यू स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड का मतलब है यू स्टेट को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसे हमने कहीं इम्पोर्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, सो लेट्स डू दैट, लेट मी पिक इट, सॉरी लेट मी पिक इट अप एंड लेट मी डू इट फ्रॉम हियर। ये रिएक्ट में ही, ये रिएक्ट का ही पार्ट है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी लाइब्रेरी नहीं चाहिए। तो अब मेरा वो जो पॉपअप था वो बाय डिफ़ॉल्ट गायब हो गया, और वो क्यों गायब हो गया, रीज़न यू नो इट, कि मेरी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, फॉल्स है। तो मैं इस एक वेरिएबल पे चेक कर रहा हूँ, अगर मैं इसको ट्रू कर दूँ मैन्युअली या हार्ड कोड करके ट्रू कर दूँ दैट वुड शो अप, और अगर मैं फॉल्स कर दूँ तो दैट वुड्स गो अवे।
आप कहेंगे इसमें स्टेट लिफ्टिंग किधर है, ठीक है, लेट मी कम बैक। अब ये जो मैं इसे ओपन और क्लोज करना चाहता हूँ, मैं मैनुअली तो नहीं करना चाहता ना, मैं क्या करता चाहता हूँ, इस बटन पे क्लिक करूँ तो क्या हो जाए, ओपन हो जाए, और वापस फिर उसके एंड पे जो टॉप पे बटन होगा उस पर क्लिक करूँ तो क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। मेकिंग सेंस? सो लेट मी डू दैट। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ और इसे मैं कहता हूँ जी कि लेट ओपन मॉडल इक्वल्स टू दिस 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 दिस, और इस पर क्या करता हूँ जी, सेट इज मॉडल ओपन, तो इसे क्या करना चाहता हूँ, ट्रू, ठीक। तो अब मैं अगर इसको, इस फंक्शन को कहाँ पे कॉल करूँगा, जहाँ पे मेरा लॉगिन का बटन है, तो मैं यहाँ आता हूँ और इसे, ये वैसे बाय द वे अच्छा यूज़ केस है, जिसने इवेंट्स की प्रैक्टिस नहीं की, जिसने फंक्शंस की प्रैक्टिस नहीं की, उसके लिए भी अच्छा यूज़ केस है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके पेज को रिफ्रेश करता हूँ, इफ़ नथिंग गेट्स ब्रेक, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास आ गया। अब ये क्लोज नहीं हो रहा, ना ही मैं इस बटन पे दोबारा क्लिक कर सकता हूँ। तो आई नीड अ बटन राइट इन हेयर कि जिस पे क्लिक करूँ तो ये मॉडल दोबारा क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, जस्ट द वे आई शोड यू राइट ओवर देयर। अब मैं इससे पहले कि ये काम करूँ, मैं यहाँ एक और काम कर रहा हूँ जीशान साहब वाला। जीशान साहब ने मुझे कहा था जी कि ये अलग कंपोनेंट नहीं होना चाहिए मॉडल का, तो मैंने कहा था जी थोड़ी देर में बनाता हूँ, ठीक। तो ये सारा कंपोनेंट हमने टेस्ट तो कर लिया कि बन भी गया सही, इसको हम अलग कंपोनेंट में मूव कर लेते हैं। तो जो रीयूजेबल कंपोनेंट्स है वो कहाँ जाएंगे, कंपोनेंट्स के अंदर। सो लेट मी राइट मेक हेयर MODAL मॉडल डॉट JSX और यहाँ पे लिखें RFCE और इसके अंदर आके आप ये ले लें, ठीक। और आप यहाँ पे वापस आएँ और यहाँ पे आप क्या यूज़ करें, मॉडल। चीज़ें बड़ी सिंप्लीफाई हो गई कि बजाय इसके कि वो इतनी लंबी UI यहाँ लिखते हैं, वो आपने अलग कंपोनेंट बनाया और उसको आपने यहाँ रेंडर कर लिया। लेट्स सी इफ इट स्टिल वर्क्स आर नॉट। सो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स था स्टेट उसका, जब इस पर क्लिक कर देता हूँ तो स्टेट क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है और नथिंग गेट्स क्लोज, आई मीन इसको क्लोज नहीं कर पा रहा आप, ठीक है। दैट इज़ द प्लेस कि अब मैं इस सेपरेट कंपोनेंट में जाऊँगा विच इज़ हेयर और यहाँ पर साथ ही मैं एक क्या बना दूंगा, क्लोज का बटन बना दूंगा। इस पे फिलहाल मैं एक्स डाल देता हूँ, आप इसे मजीद स्टाइल कर सकते हैं और इसको मैं कह देता हूँ जी BTN और BTN DANGER। नॉर्मली क्लोज का बटन रेड कलर का होता है, ये आ गया, इसको उठा के इधर मूव करना है तो वो आपको पता है कैसे मूव करते हैं, कैसे मूव करते हैं, इसको उठा के आप यहाँ पे ले जाएं और इसको यहाँ ले जाएं और इसको यहाँ ले जाके पोजीशन दे दें इसको एब्सोल्यूट और इसको दे दें टॉप 0 राइट 0, सो दैट शुड मूव अप राइट इन हियर, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, ये तो सिंपल CSS था, अब हमें इसके क्लोज पे इस पूरे मॉडल को क्या करना है, क्लोज करना है। द प्रॉब्लम इज, ये बड़े गौर से समझने वाली बात है, ये बटन क्लोज का बटन कहाँ पे है, मॉडल के कंपोनेंट में। इस क्लोज के बटन के क्लिक पे जो मैंने स्टेट चेंज करनी है वो किधर जाके चेंज करनी है, पेरेंट कंपोनेंट में चेंज करनी है। आई रिपीट, आई एम ऑलरेडी इन द चाइल्ड कंपोनेंट बट आई हैव टू मॉडिफाई द स्टेट इन टू द पेरेंट कंपोनेंट, तो क्या करूँगा, चाइल्ड से वापस पेरेंट में डाटा भेजने के लिए बेशक ट्रू फॉल्स ही भेजना है, डाटा तो भेजना है ना, या बेशक कुछ भी नहीं भेजना, भेज भी सकते हैं लेकिन कुछ भी नहीं भेजना, वापस जाके स्टेट चेंज किसकी करनी है, पेरेंट की चेंज दे दी। तो चाइल्ड से पेरेंट में मूव करने के लिए क्या चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट लिफ्टिंग। स्टेट लिफ्टिंग कैसे होती है, पेरेंट में जाएं, दिस इज द पेरेंट, और इस कंपोनेंट के अंदर आप पास कर दें क्या, क्योंकि आपने ये फंक्शन ओपन मॉडल वाला करना है ना, रीजन क्या है कि आपने ये जो ओपन मॉडल वाला फंक्शन है, जैसे इसको पेरेंट कंपोनेंट में कॉल कर रहे हैं वैसे ही इसको कहां से कॉल करना है,
चाइल्ड कंपोनेंट से कॉल करना है, और ये चाहते हैं कि चाइल्ड कंपोनेंट से कॉल हो तो डाटा वापस किधर आए, पेरेंट में आए, और पेरेंट में आके इसको जाके चेंज करे, इसको क्या करे, चेंज करे। ये बात क्लियर हो गई सबको? अब मैं जाता हूं, चूंकि ये यहां मैं एज अ फंक्शन को एज अ प्रॉप भेज सकता हूं, ये भी आपको पहले पता है। अब मैं यहां पे जाता हूं तो वो जो पीछे से प्रॉप भेजा है वो यहां किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आएगा। तो कर्ली ब्रैकेट्स क्यों लगाई हैं, ताकि उसको ऑब्जेक्ट को इधर ही डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर कर दूं। तो ये ओपन मॉडल इस तरह अवेलेबल हो जाएगा मेरे पास, और जब इस तरह अवेलेबल हो जाएगा तो क्लोज के बटन पे जाएं, और क्लोज के बटन पे जाके जाके क्या कहें, ऑन क्लिक ये कर दें। अब एक और बात है, यानी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई, जब कोई बंदा ओपन मॉडल पे क्लिक करेगा तो ये फंक्शन इधर हिट होगा और ये फंक्शन इधर हिट होगा। तो ओपन मॉडल आके इसके अंदर क्या कर रहा हूं मैं कि सेट इज ओपन ट्रू, वो तो ऑलरेडी ट्रू है, वो तो क्या है, ऑलरेडी ट्रू है ना, तो मुझे क्या करना है, उसको फॉल्स करना है ना। तो यहां क्या कर सकते हैं कि यहां हम कंडीशन चेक कर सकते हैं इसके अंदर आके, क्योंकि दोनों जगहों पे क्लोज वाला फंक्शन भी इसी को हिट कर रहा है और ओपन वाला फंक्शन भी इसी को हिट कर रहा है। तो आई कैन से इट समथिंग लाइक दिस कि इफ इज मॉडल ओपन, अगर ये ऑलरेडी ट्रू है, अगर ये ऑलरेडी ट्रू है तो इसे क्या कर दो, फॉल्स, और अगर ये फॉल्स है तो क्या कर दो, ट्रू कर दो। समझ आ गई बात, ये नहीं आई, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि जब आप इसको यहां से कॉल करें तो इसको पैरामीटर में ट्रू भेज दें, और जब आप इसको चाइल्ड से कॉल करें तो पैरामीटर में क्या भेज दें, फॉल्स भेज दें। तो एक्चुअल स्टेट लिफ्टिंग विद डेटा मूविंग फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट उस केस में समझ आएगा। ये सिंपल केस है, इसके बाद वो भी करवा देता हूं। ये समझ आ गई बात, इस केस में ये नहीं होगा, इस केस में मैं कुछ नहीं कह सकता, इस केस में आप स्टेट को ट्रैक करें ना, बाय डिफॉल्ट क्या है, नहीं पिछला केस नहीं है, वो अगला केस है, वो इसके बाद बयान करेंगे ना। मैंने सिर्फ हिंट दे दिया कि अभी आप बाय द वे चाइल्ड से होके पेरेंट में जाके चेंज कर रहे हैं डाटा, लेकिन डाटा भेज नहीं रहे। सर मीटिंग एंड होने वाली है। ओके, मैं इस आखिरी वाले को इसको चेक करता हूं और फिर एंड करता हूं और अगला केस का ही बता दूंगा। मैं इसे रिफ्रेश करता हूं और लेट्स सी, इसे ओपन किया और इसे क्लोज किया, इसे ओपन किया और इसे क्लोज किया। तो ये स्टेट लिफ्टिंग विद डाटा बींग प्रोपेगेटेड फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट विल बी प्रोसेस टुमारो प्रोबेबली, बिकॉज मतलब ये हो रहा है और ये स्टेट लिफ्टिंग है, ये भी स्टेट लिफ्टिंग है, लेकिन आपको तसल्ली देने के लिए कि नहीं जी नहीं, तुसी ये पहले फंक्शन ही कॉल कर रहे हो, डाटा नहीं भेज के तकाया तुसी वो भी तका देना था। तो स्टेट लिफ्टिंग का प्रैक्टिकल यूज केस समझ आ गया सबको, ये एक यूज केस है इस तरह के। मतलब जब आप कोई चीज बिल्ड कर रहे होंगे ना तो आपको खुद ब खुद फ्लो में समझ आएगा कि यार अच्छा ये चीज पेरेंट में हो रही है और ये चीज चाइल्ड में है, तो मुझे चाइल्ड से होकर पेरेंट में कुछ चीज चेंज करनी है, या पेरेंट से होकर चाइल्ड में कुछ चीज चेंज करनी है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये होना चाहिए कि यस वी हैव टॉक्ड अबाउट अ वे थ्रू विच वी कैन एक्चुअली चेंज द डेटा इन द पेरेंट वाइल सिटिंग इन साइड द चाइल्ड आर वाइस वर्सा। ठीक है जी, ऑनलाइन में किसी का यहाँ तक कोई सवाल है तो वो पूछ लें, अदरवाइज मीटिंग एंड हो गई है। चलें, खैर कोई बात नहीं।